पुलिस कर्मियों के हेलमेट में लगेगा अब कैमरा। दंगे फसाद करने वाले आरोपी होंगे कैमरे में कैद। प्रदेश में राजस्थान पुलिस ने एक नया कैमरा युक्त हेलमेट तैयार किया है और अब दंगे हुड़दंग उपरत मचाने वाले लोग पुलिस की नज़र से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अब ऐसी कोई हरकत पुलिस कर्मियों के हेलमेट में लगे कैमरे में कैद हो जाएगी। पुलिस मुख्यालय जयपुर ने हाल ही में कुछ ऐसे कैमरे युक्त हेलमेट अजमेर में दिए हैं। ये हेलमेट मोबाइल ब्लूटूथ या वाईफाई से जोड़े जा सकेंगे। पुलिस अधिकारी कंट्रोल रूम में बैठकर मौके पर क्या हो रहा है उसे लाइव देख सकेंगे। पुलिसकर्मी आत्म सुरक्षा के लिए भी इन हेलमेटों को रूटीन में उपयोग ले सकेंगे। जिला पुलिस अधीक्षक को राष्ट्रदीप ने बताया कि मुख्यालय से फिलहाल कैमरे लगे हेलमेट मिले हैं। ये उन अधिकारियों को दिए जाएंगे जो कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में मौके पर मौजूद रहेंगे। SP ने बताया कि पुलिस मौके पर इन हेलमेटों का अधिक से अधिक उपयोग में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि दंगा या यातायात पुलिस के साथ मौके पर जो गतिविधियां होंगी वे हेलमेट में लगे कैमरे में कैद हो जाएगी। सारा घटनाक्रम इन कैमरों में लाइव रिकॉर्ड होगा। कैमरों की फुटेज के आधार पर पुलिस आसानी से आरोपियों को पकड़ सकेगी। इसके साथ ही दंगा व अपहरण के दौरान होने वाली बातचीत भी रिकॉर्डिंग में की जा सकेगी। साथ ही पुलिस कर्मियों की जेब में इन कैमरों को संचालित करने का उपकरण भी होगा। इस उपकरण से जब चाहे एक बटन दबाकर कैमरे को ऑपरेट कर सकेंगे। फिलहाल इन कैमरों को ट्रायल में रखा गया है। साथ इन कैमरों को आगामी समय में पुलिस कंट्रोल रूम से भी जोड़ने की योजना है। देखिए, पुलिस मुख्यालय के द्वारा पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए लगातार कुछ ना कुछ प्रयास किए जाते रहे हैं। उसी क्रम में अभी बॉडी वॉर्न कैमराज और हेलमेट में कैमरा के कुछ इक्विपमेंट्स हमारे पास में आए हैं, जिसका पर्पज़ यह है कि जब भी कभी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में जो हेलमेट हम पहनते हैं, वो हेलमेट उस समय जो घटना हो रही होगी या जो भी जिस तरीके से घटना को हैंडल किया जा रहा होगा उसके रिकॉर्डिंग भी कर सकेगा। वो रिकॉर्डिंग बाद में एविडेंस के रूप में भी इस्तेमाल की जा सकेगी। इसी प्रकार बॉडी वॉर्न कैमरा है, जो कि हमारे जो भी ट्रैफिक के कर्मचारी हैं वो जब भी ट्रैफिक में लोगों के साथ में कार्रवाई कर रहे हों तो उस समय जो भी इंसिडेंट होते हैं उसको लेकर के बहुत सारी शिकायतें आती हैं। लोग एलिगेशन लगाते हैं, पुलिस पर भी लगाते हैं, पुलिस वाले भी कहते हैं कि साहब लोग कॉपरेट नहीं करते, तो उसमें क्या वस्तु स्थिति है उसका भी पता चलेगा और दोनों में ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस आएगा। पुलिसकर्मी भी सोचेगा कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है तो ज़्यादा ध्यान रखेगा, और वहीं जो व्यक्ति जिसका चालान हो रहा होगा वो भी इस बात का ध्यान रखेगा कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है तो वो भी कॉपरेट करेगा। तो लगातार ये प्रयास हो रहे हैं उसी क्रम में। देखिए, अभी तो बहुत ही लिमिटेड संख्या में आए हैं, एक ट्रायल की तरह है। धीरे धीरे करके जब ज़्यादा संख्या में हो जाएंगे तो ट्रैफिक के अलावा अन्य थानों को भी दिए जा सकते हैं। देखिए, इसमें रिकॉर्डिंग का प्रोविज़न है, उसमें जो भी इंसिडेंट रिकॉर्ड होगा वो बाद में उसको देखा जा सकेगा। अभी कंट्रोल रूम से सीधे मॉनिटर होने वाली व्यवस्था उसमें नहीं है।